ठीक है, चलता हूँ फिर। सो फाइनली मैं निकलने वाला हूँ, ये थोड़ा स्लोप है तो देख के निकलना होगा। सो फाइनली आई एम ऑन द वे टू दार्जिलिंग, 12:51 PM। और रास्ता तो वही सेम है, तो वही सेम चीज़ दोबारा नहीं दिखाऊंगा, मिलते हैं वही जंक्शन पॉइंट पे। तो हम आ चुके हैं वापस वही जंक्शन पे। ये तो लिखा दार्जिलिंग वाया बाईपास। एक्सक्यूज़ मी, वो सिमाना व्यू पॉइंट जाने के लिए इस तरफ जाना पड़ता है क्या? ओके थैंक यू। तो पशुपति फाटक, दैट इज़ द वे। मैं सोच ही रहा था और क्या हो सकता है, लेकिन कंफर्म करना हमेशा सही रहता है। एंड ऐसे रास्ते पर जब चला रहे हो, ऑलवेज स्टिक टू योर लेन। ऐसे नहीं कि टर्न करते करते आप दूसरी साइड पहुंच गए, क्योंकि सामने से भी गाड़ी आ रही होगी, खास करके टर्न्स में जब चढ़ रहे हो या उतर रहे हो। मेनटेन योर लेन। मौसम तो बहुत बढ़िया है आज, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। जब मैं पार्क में था तो बहुत धूप हो रही थी, लेकिन अभी अच्छा है। तो अगर आप दार्जिलिंग होके नेपाल जाना चाहते हो, देन पशुपति फाटक इज़ द ओनली वे। लैंडस्केप यहाँ का काफ़ी सिक्किम से मैच करता है, क्योंकि मैं जैसे जैसे कुछ नया जगह देखते जा रहा हूँ, मुझे सिक्किम की याद आ रही है। रास्ता बहुत ही सकरा है, बहुत ही ज़्यादा, और स्लोप बहुत है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है, बीच में कैमरा बंद हो गया था। ये जगह नाम है थूबरो, ठीक है। गुडरिक चाय यहीं से जाती है पत्ती। ये गुडरिक का प्लांटेशन है, जितने भी टी प्लांटेशन, ये जो सामने आपको दिख रहा है सब कुछ ये गुडरिक का है। ये देखो स्लोप, अभी इंक्लिनेशन, मैं जितना इंक्लाइन होके उतरा था अभी उतना चढ़ रहा है। इंक्लिनेशन देख रहे हो, एकदम स्टीप। कैमरा बीच में बंद हो गया था, मैं अभी बोल रहा था, इंटरप्ट हो गया। तब पूरा स्टीप स्लोप नीचे उतरने का, और अभी ये तो फिर भी हल्की चढ़ाई थी, मैंने उससे ज़्यादा स्लोप में उतारा था, मतलब चढ़ाई हल्की नहीं थी, उसके हिसाब से हल्की थी। मौसम अभी काफ़ी ठंडा हो चुका है और ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा कान बंद हो जा रहा है। हाय साहब, दिस रोड इज गिविंग मी चिल्स, लिटरली चिल्स, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है भाई। हम बहुत ऊपर जा रहे हैं, लिटरली बहुत ऊपर। ड्रिंक एंड ड्राइव, यू वॉन्ट सर्वाइव। आई डोंट ड्रिंक, आई ओनली ड्राइव। वो जो ऊंची पहाड़ दिख रही है सामने, वो नेपाल है, दैट इज़ नेपाल। जिनके होमस्टे में रुका था वो बता रहा था कि सामने ऊंचा पहाड़ दिखेगा वही नेपाल है। सो दैट इज़ नेपाल, यस। देख रहे हो, मैं इंडिया से नेपाल देख रहा हूँ, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, बॉर्डर तक जाओ तो दिख ही जाएगा, लेकिन बॉर्डर पहुँचने से पहले ही मैं देख रहा हूँ। तो ऑन द रिकॉर्ड एक बात बोलना चाहता हूँ, एट दिस मोमेंट अरिंदम भाई और अनन्या जी भी नेपाल में है, दे आर ऑन देयर नेपाल राइड। तो मैं यहाँ से उनको हाय भेज रहा हूँ। हेलो अरिंदम भाई, अनन्या जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रिप। पता है जब तक ये वीडियो आप देखोगे आप आ चुके होगे, बट दुआएं ऐसे भी लग जाती हैं, ठीक है। तो मैंने तो ऑल द बेस्ट बोल दिया। रुक जा भाई, अच्छा आर्मी है, आर्मी से पंगा नहीं बाबा, अच्छे होते हैं भाई दो इंडियन आर्मी। मुझे उनको हॉर्न मारना थोड़ा डिसरिस्पेक्ट लगा, इसलिए ऐसे बोला। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह,
ये देखो सामने और बगल में व्यू जो है वो मैं क्या ही बताऊं। बात ये है कि रास्ते पे नज़र रखना पड़ेगा तो इसलिए मैं साइड का दिखा नहीं पा रहा हूँ। कितने ऊपर आ गए हम, देख रहे हो नज़ारे तो भाई क्या है, क्या बोलूँ मैं। पशुपति 2 किलोमीटर्स, वहीं पे रुकूँगा हॉल्ट पहला। लेकिन मौसम भाई साहब ठंडा ठंडा कूल कूल एकदम। पशुपति 1 किलोमीटर पहुँच गया ऑलमोस्ट। अरे भाई तू जा ना यार, तू जा तो पहले जा। उफ, साइड में जा रहा हूँ। अरे गाड़ी का अच्छा खासा मेहनत हो रहा है। ऐसे मेहनत हुई थी जम्मू में, रोड पर ब्लॉक लगा था। आप देखोगे जिस दिन मैं जम्मू से श्रीनगर गया था, रोड जाम लगा है और स्लोप एरिया में आपको वहीं पे जहाँ पे रुके वहीं से खींचना होता है। स्लोप में रुक जाते हो, स्लोप में खींचते हो। तो उस दिन भी इंजन को बहुत मेहनत पड़ा था। पशुपति फाटक ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो जगह कहाँ है? वो बॉर्डर है, दैट इज द बॉर्डर टू नेपाल कस्टम्स। तो वहाँ पे ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि मैं रुक के फोटो वोटो खींच सकूँ, एकदम भीड़ भाड़ है। मन था थोड़ा फोटो खींचने का। ओके लेट्स फोकस ऑन द डिसेंट। खैर क्या कर सकते हैं, बट नेपाल बॉर्डर को देख के गुजबम्स आ गया, नेपाल जाना तो है। क्या मौसम है यार, क्या मौसम है यहाँ पे, बढ़िया जबरदस्त। आगे आएगा सिमाना व्यू पॉइंट जो इंडिया से नेपाल दिखता भी है, वो आधा इंडिया में आधा नेपाल में है। आप मैप में चेक कर सकते हो, ऑफिशियली इंडिया में है लेकिन बॉर्डर बीच से ही पार हो जा रहा है। मौसम तो आप देख ही रहे हो, मतलब इतना ज़बरदस्त हो गया है, इतना ज़बरदस्त मतलब मैं क्या ही बोलूँ। मैं कल मिरिक में खुश हो गया था कि क्या मौसम है, ये तो अलग लेवल का है। वो हो देखो भाई प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश हो रही क्या यहाँ पे? ये ऊपर पूरा एकदम मटमैट क्यों दिख रहा है? ठंड अलग लेवल का हो गया यहाँ पे। मेरा कान बंद हो गया था फिर से, कान कितना बार बंद हो चुका है उसका कोई ठिकाना नहीं है। मैं वैसे अभी बता रहा हूँ सिमाना 1 किलोमीटर और बचा, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। व्यू पॉइंट से यहाँ से कंचनजंगा दिखना चाहिए लेकिन आज आसमान इतना साफ है मुझे नहीं दिखेगा। ये कंचनजंगा मेरा बहुत दुश्मनी है, बहुत बड़ी दुश्मनी है। जब भी मुझे मौका मिलता है कंचनजंगा देखने का वो हो नहीं पाता है क्योंकि आसमान साफ नहीं होता। सिक्किम में भी वही हुआ था, दार्जिलिंग में भी वही हो रहा है। सिक्किम मुझे 2-3 मौका मिले थे देखने के लिए, पहलिंग तो मैं गया नहीं था, उसके अलावा 2-3 मौका मिले थे। एक मिला था रवांगला बुद्धा पार्क से, और एक मिला था जब आप नथुला पास जाते हो ऑन द वे दिखता है, वो नहीं हुआ। और एक कहीं पे एक था, वैसे 3 चांस मैंने मिस किए थे, पहलिंग जा नहीं पाए थे तो मुझे कंचनजंगा दिखाई नहीं कभी। सो दिस इज सिमाना व्यू पॉइंट। ये देखो उड़ते हुए बादल देखो यार, वाह। गाइस मैं आ चुका हूँ सिमाना व्यू पॉइंट में, और ये बादल देखो यार, उड़ते हुए बादल गजब एकदम।
व्यू पॉइंट दिखाता हूँ आपको, कुछ दिखेगा नहीं बट स्टिल फॉर्मेलिटी। ये है व्यू पॉइंट, पूरा वैली जो है बादल में डूब चुका है। यहाँ से कंचनजंगा दिखता है लेकिन आई एम सो लकी मुझे नहीं दिख रहा। सिक्किम गया था वहाँ पे वैसे ही होती, तीन मौके मिले थे लेकिन वहाँ नहीं दिखा। और इस बार दार्जिलिंग में भी वही बात हुआ, लगता है नेपाल जाके कंचनजंगा पहुँचना ही पड़ेगा नहीं तो नहीं दिखेगा मुझे। लुक एट द फ्लोटिंग क्लाउड्स, वंडरफुल। वाह, ये देखो मेरे पीछे देखो ये उड़ रही है। वाह वाह, मज़ा आ गया एकदम। क्या मौसम है यहाँ पे, इट्स वेरी कोल्ड ऑल्सो, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। मैं राइडिंग जैकेट पहना वरना मैं देखा लोग यहाँ पे शिवर कर रहे थे। दिस इज हाउ द सीन इज हियर, सिमाना व्यू पॉइंट। यहाँ रुको देखो, उड़ते बादल देखो यार क्या उड़ रहा है देखो। टाइम अभी हो रहा है 3:41 PM और मैं हूँ सिमाना व्यू पॉइंट, सेम जगह। इतना बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, व्यू तो नहीं दिखा कंचनजंगा छोड़ो, ना आई एम यूज टू इट। कंचनजंगा मुझसे भाग रही है, आई थिंक देयर इज सम ग्रैंड प्लान्स इन फ्यूचर, लेट्स सी। मुझे लग रहा है जब कंचनजंगा दिखेगी तब तो कुछ ज़बरदस्त मैं करूँगा, एक प्लान तो है बताऊँगा नहीं। ऑफकोर्स इट्स नॉट नेपाल राइड, दूसरा प्लान है। सो आई थिंक तभी मुझे दिखेगी। सो नाउ इट्स टाइम टू लीव दार्जिलिंग, यहाँ से और 23 किलोमीटर्स। सो लेट्स गो। अभी हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, रोड जाम है और घूम आई थिंक और 4 किलोमीटर अराउंड होगा, वहाँ से फिर दार्जिलिंग भी जाना है। टाइम हो गया है 4:33, मतलब समझ गया आज कुछ नहीं होगा, बस होटल में चेक इन करना है और रेस्ट करना है आज। और ये स्टीम इंजन है, दार्जिलिंग के लिए लेफ्ट लेना है। तो हम घूम स्टेशन में आ चुके हैं, ये घूम स्टेशन और वो स्टीम इंजन खड़ा है। कल हमारा यहीं पे राइड है, ये देखो ट्रेन खड़ी है, ये देखो हिमालयन ट्रेन,
रुक नहीं सकता वहाँ पे, बहुत जाम है। तो यही ट्रैक है जिस पे ट्रेन चलती है, दार्जिलिंग से बतासिया लूप होके घूम से फिर वापस। तो इसीलिए उस तरफ ट्रैक्स नहीं थी, इस तरफ है। और जब रोड पे आप ट्रैक्स को क्रॉस कर रहे हो थोड़ा देख के करना, पहिया गलत एंगल में पड़ गया तो स्लिप हो सकते हो। कोई मोनेस्ट्री है सामने, घूम मोनेस्ट्री, यही है क्या, पता नहीं, कोई मोनेस्ट्री तो है। रास्ता देखो कितना सुंदर हो गया है, और ये देखो इसको, हाँ थोड़ा देख के सही से क्रॉस करना, गलत एंगल में पड़ा तो स्लिप हो जाओगे। स्ट्रेट स्ट्रेट कभी, मतलब पैरेलल अलाइन करके पहिया ट्रैक्स के साथ कभी क्रॉस मत करना, थोड़ा डायगनल कट रहना चाहिए। अभी मौसम खुला यार, राहत की सांस। ठंड तो बहुत है लेकिन जितना है मेरा जैकेट वो झेल दे रहा है, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दार्जिलिंग आ गया, दार्जिलिंग सिक्किम में नहीं सके, गाड़ी से टेढ़े मेढ़े पार्क करते हैं। यहाँ पे भी देख रहा वही है, बता रहा था ना दार्जिलिंग और सिक्किम में बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। बताऊँगा नेक्स्ट एपिसोड बताऊँगा। इंडियन आर्मी में जो गोरखाज होते हैं ना, वो यहीं के होते हैं। मुझे एक होटल चाहिए जिसमें पार्किंग मिले, रोड साइड नहीं भाई। होम स्टे भी चलेगा लेकिन पार्किंग। बतासिया लूप आ गया, नीचे होगा हिमालयन ट्रेन, लेकिन नीचे के ऊपर वाला है, गैस ऊपर वाला है, लेकिन वो ट्रेन तो उसके अंदर भी जाती है बतासिया लूप। ओके ओके, आराम से हिल रिजॉर्ट। अरे भाई साहब, हिल रिजॉर्ट में पहुँचूँगा कैसे मैं, और ऊपर नहीं जा सकता मैं भाई, नीचू से कुछ बता दो। वेलकम टू दार्जिलिंग। ओके सो नाउ ऑफिशियली वेलकम टू दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स। आप सभी का स्वागत है दार्जिलिंग में, पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग। अब मुझे चाहिए होटल, यहाँ पे कुछ मिल जाता ना अभी रुक जाता। ये देखो ट्रैक फिर से ऐसे क्रिस क्रॉस होके जा रही है रोड में काफ़ी बार, तो उसको देख के थोड़ा सावधानी से क्रॉस करना। ओ भाई वाह, तो बहुत कुछ है यहाँ पे, आई थिंक रहने को कुछ तो मिल जाएगा। मैंने भी जस्ट मैप्स में चेक किया, मेन दार्जिलिंग जो है वो थोड़ा आगे है, ये थोड़ा बाहर हो जा रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ और थोड़ा आगे चले जाऊँ, वहीं से ले लूँ तो सबको सेंटर पड़ेगा, रेलवे स्टेशन मार्केट वगैरह सब पास रहेगा, नहीं तो यहाँ से फिर चल के जाना पड़ेगा। ये रेलवे ट्रैक जहाँ जा रही है ख़त्म होंगी, वो होगा दार्जिलिंग स्टेशन। ओ मोनेस्ट्री है कुछ, ओके ये देखो फिर दुकान के सामने से, घर के सामने से ट्रेन जा रही है, सही है, कल देखने को मिलेगा ये सब। ये आ गया दार्जिलिंग स्टेशन, ये देखो ट्रेन इंजन, स्टीम इंजन देख रहे हो, वाओ। और ये रहा ट्रेन, कल यहीं से तो मुझे चढ़ना है, 11 बजे का ट्रेन है मेरा। इसी के पास अगर कुछ मिल जाए तो मज़ा आ जाए। आई लव DHR, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। ओके DHR, आई थिंक वहाँ पे एक होटल छूट गया। अरे यार रुको घुमा के आता हूँ। अच्छा वन वे है, अरे यार लग गई लंका, तो वन वे है। ओह शिट, ये क्या है, आज मैं पूरा दार्जिलिंग घूमेगा। Yeah, I'll guide him. So you do one thing, you just be quick, okay? Be there in front of Rangamanch Bhavan. I will guide him until there. Just one guy. Actually, we are three partners. Okay. When I reach back to the hotel, then we'll talk about it. Okay. Okay. No worries. You'll feel safe. Don't worry. Because I am a biker and I have faced this kind of problem when I go from Darjeeling, like when we go to Nepal and all. No? Uh-huh. I've been to Nepal and all. Okay. Okay. We ride bikes. So don't worry. Nice. Come over me. Like I'll guide you. So what is the tariff? Tariff is like, see. Is it including your fooding or just lodging? What you gonna do? Give me both options. Without fooding how much? With fooding how much? With fooding and without fooding. Uh-huh. Normally see, it's a season rate time. Uh-huh. Okay. I will not charge you more because our rooms are costing from 1500, it goes up to 35 also. Mm-hmm. 35 is a deluxe room, we just got two bedrooms. For you, you are a single room, right? Single person. Mm-hmm. So single person also like two person can adjust in one room. So we have that kind of rooms. So normally 1500 is the charge. That is including with your fooding and lodging. Like I mean
breakfast early morning, and then like either you choose lunch or dinner. That's your choice. Okay, okay. Okay, that is 1500. Okay. But I will try to reduce more because like you are staying until 2 to 3 days, right? Till first, yeah. Maximum where? 29, 30 and first. Today is 29, right? Yeah. 30. Today, tomorrow, day after tomorrow. Three nights, right? So I can reduce up to after your fooding and lodging like 1400 to come kar payenge. Okay. Fir aapko ye bhi hoga ki like if you want to go with only lodging, lodging aapko 1100 to come kar denge. Aur beds are like rooms are very nice. ठीक है, let's reach there first. Fine, man. You just come over. Trust me, I'm telling you. Okay. At this time, because like see, after your April, May comes. May and June is a very big season where you like you know you won't find in the like in that range in that particular. Okay, okay, trust okay. Me. Okay, because we are like you know focusing mostly with the two wheelers and hires like you know hiring two wheelers and all. Okay, okay. Come over. There's a parking. I have parked my bike there. Okay. You just follow me. Okay, sure. तो मैं भी जिनसे बात कर रहा था उनका खुद का होटल है और उन्होंने कहा कि उसमें पार्किंग भी है. रेट्स तो आपने सुन ही लिया, तो सुन के तो सही लग रहा है, जाके देखने से पता चलेगा. नहीं, अभी मैं उनके वेट कर रहा हूँ, आएंगे देन ही विल गाइड मी टिल टू हिज होटल. आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम. मे आई नो योर नेम ब्रदर? संदीप. 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 सो संदीप. हाय संदीप. माय सेल्फ आशीष. हाय. ओके दादा, सो द थिंग इज ही इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम उड़ीसा, सो राइडिंग अलोन. ओके, सो ही विल बी हियर अंटिल 1st of May. ओके. ओके, सो प्लीज गाइड हिम. आई विल कम टू द होटल. ओके, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन हिम फॉर द थिंग फॉर द चार्जेज एंड ऑल. सो इफ ही इज स्टेइंग ओनली लाइक विदाउट फूडिंग ओनली लॉजिंग, सो 1100 आई हैव गिवन दिस बिकॉज यू विल बी स्टेइंग फॉर 2-3 नाइट्स. ओके, एंड द अदर थिंग इज इफ ही इज गोइंग विद द फूडिंग, देन फूडिंग इफ लाइक MBP प्लान ब्रेकफास्ट एंड डिनर, then we'll be charging him 1400. 100 rupees we have given him discount. Okay, I'll meet you brother after not even half an hour. Okay, so देखते हैं होटल कैसा है. मोबाइल में दिखाया था पिक्चर्स, सही तो लग रहा था.